लगभग 10 सेकंड, 10-12 सेकंड ले लेते हैं जी हाँ आज सो के। प्लीज स्टार्ट। जी 15 अगस्त के 74वें इस स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सभी के प्रति इस खूबसूरत दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए हम आज की परिचर्चा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं विषय को कि यक्ष प्रश्न इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में यक्ष प्रश्न। निश्चित ही ये यक्ष प्रश्न जो है इसको कई रूपों में इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। साहित्य की दृष्टि से भी इन प्रश्नों को इस्तेमाल किया गया है और साहित्य और दर्शन और भी कई सामाजिक संदर्भों में यक्ष प्रश्न शब्द जो है वो प्रयोग होता रहा है। कई बार मुहावरे के तौर पे भी इस शब्द को प्रयोग किया गया है और कई बार जब हमने कहीं अपनी अभिव्यक्तियां इस तरह की करनी होती हैं जहां पर बहुत सारे जो हैं अंतर्द्वंद्व होते हैं, कंट्राडिक्शंस होती हैं, मानवीय व्यवहार हमारे समझ से परे चला जाता है, तो हम यक्ष प्रश्न उसके लिए प्रयोग कर देते हैं। और अगर अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन मुझे लगता है कि करना हो तो शायद जो मुहावरा वहां पे अक्सर यूज होता है जिसको कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन, तो वो बेस्ट है क्योंकि उसने तो पैसे के हिसाब से ही प्रश्न का मूल्यांकन कर देना है। लेकिन यहाँ पर हम यक्ष के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मैं अगली 2-3 स्लाइड्स में आप लोगों के साथ इसके जो पृष्ठभूमि है, इसके जो कुछ एक संदर्भ हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और फिर आपके साथ आज के मुख्य वक्ता का परिचय कराते हुए उनको आमंत्रित करूंगा। यक्ष शब्द जो है भारतीय परंपरा में 3 बार मुख्य रूप से प्रकट हुआ है, 3 मुख्य पात्रों के रूप में विभिन्न रूप से। और हमें यह भी जान लेना होगा कि यक्ष जो है वो एक तरह की रेस है, भारतीय सभ्यता में रेस के रूप में स्वीकार की गई है। जाति शब्द कहूंगा तो तुरंत आपका ध्यान कास्ट की ओर चला जाएगा, जबकि ये कास्ट नहीं है, यक्ष एक रेस है। अब वही है कि जब आप अपनी परंपरा के शब्दों को आप अंग्रेजी में जब अनुवाद करने लगते हैं तो बहुत सारे ज्याति हम कर जाते हैं, अनाचार कर जाते हैं। वही एक जाति शब्द है जिसको कभी रेस के लिए प्रयोग कर लेते हैं, कभी आप कास्ट के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं और फिर स्पष्ट ये नहीं होता कि जाति क्या है। और ये यक्ष जो रेस है, जो जाति है, ये अलग क्या है। लेकिन कुछ भी हो, जब आप, मैंने कहा कि मैं परंपरा में 3 पात्रों को देख पाता हूं जिन्हें यक्ष के रूप में देखा गया और स्वीकार किया गया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीनों स्तरों में आप एक तीनों पात्रों में बड़ी विभिन्नता, समय की विभिन्नता भी आप देखेंगे और उनके व्यवहार की विभिन्नता भी आप देखेंगे। सबसे पहले जब हम यक्ष की बात करते हैं, यक्ष जो पात्र के रूप में हमारे सामने साहित्य में आता है वो वैदिक साहित्य में आता है और केनोपनिषद में सबसे पहले उसका जिक्र आता है। और आप देखिए कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देवताओं को ज्ञान देने वाले जो हैं वो यक्ष के रूप में, वो ब्रह्म जो हैं वो यक्ष के रूप में आते हैं। अब ब्रह्म को आप अल्टीमेट ट्रुथ कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, जैसे जैसे हमारे शब्दों की पकड़ है और जैसे जैसे हमारी भाषाओं का संस्कार है उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो भी वो अंतिम सत्य है वो यक्ष के रूप में देवताओं के सामने प्रकट होता है और वहां पर वो उनसे प्रश्न करता है, देवताओं से, विशेष रूप से अग्नि, जल और वायु, इन तीनों से वो प्रश्न आप करते हैं एक सेकंड कि के लिए रोकना चाहूंगा, कोई मैडम सिमरन नागरा है, शी इज शेयरिंग हर प्रेजेंटेशन, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा अपना प्रेजेंटेशन प्लीज मत शेयर करें। सिमरन हाँ, नहीं तो नागरा, मुझे, हाँ मुझे नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। नहीं आपके वो, हाँ सिमरन ओके, नागरा आप मैडम उसको प्लीज डोंट शेयर योर स्क्रीन। जनरल साहब आप इसको पिन कर लीजिए मेरी हाँ जी स्क्रीन हाँ को, तो जी मैं फिर वो कर रहा हूँ। लेंगे। ठीक हाँ जी है, चलिए थैंक यू। तो वो तीनों से प्रश्न करते हैं और कि क्योंकि उन देवताओं को यह अहंकार हो जाता है कि हमने ये युद्ध जीत लिया, तो वो यक्ष उनके सामने एक टिनका रख देता है और कहता है कि इसको अग्नि तुम जला के दिखाओ, पवन तुम उड़ा के दिखाओ और जल तुम इसको गला के दिखाओ।
और तीनों अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, तब वो उस यक्ष के आगे हाथ जोड़ के प्रश्न पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो यक्ष उस वक्त उनको ज्ञान के विषय में बताता है कि अंतिम जो सत्य है वो क्या है, कि तुम्हें भ्रम हो जाता है कि तुम ये कार्य कर रहे हो, जबकि तुम्हारे कार्य करने के पीछे की जो शक्ति है वो ब्रह्म है। तो इसलिए ये अहंकार, ये मिथ्या अहंकार जो है, ये नहीं करना चाहिए। तो केनोपनिषद बहुत सुंदर और श्रेष्ठ एक तरह का उपनिषद है, जिसे जरूर हमें पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से जब आज हम यक्ष की बात करने जा रहे हैं वो है। और यक्ष शब्द को भी अगर आप देखें तो परंपरा में यक्ष शब्द की जो एटिमोलॉजी बनेगी वो लगभग यज्ञ शब्द से, यज्ञ शब्द से बनती है। यज्ञ और यक्ष बिल्कुल पास पास हैं। तो उसमें ना जाते हुए दूसरा जो हम स्तर पे आते हैं वो महाभारत में हमें दिखाई देता है, जिसपे आज हम चर्चा करेंगे, और जनरल साहब उसके बारे में सारी बात करेंगे, उस कथा के बारे में, कि वो कथा जो है महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व, और उसमें भी 311 जो अध्याय है वो वहां से लेकर के 314 अध्याय तक वो कथा चलती है। मतलब पृष्ठभूमि 311 से शुरू होती है और समाप्ति, जो पूर्ण समाप्ति जो है फल प्राप्ति तक जो है वो 314 तक होती है। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आज के हमारे मुख्य वक्ता उसके विषय पे बात करेंगे। तो ये दूसरे पात्र हैं जो हमें महाभारत में यक्ष दिखाई देते हैं। तीसरे जो यक्ष हमें दिखाई देते हैं वो हमें अपनी परंपरा में कालिदास के मेघदूत के रूप में हमें दिखाई देते हैं, कि वहां पर कुबेर के एक सेवक के रूप में यक्ष हैं, जिनका काम रोज फूल लाना है, और एक दिन अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण उनको अपनी पत्नी से वियुक्त होने का शाप मिलता है, और वो हिमालय पे जाकर के अलग से रहने लगते हैं, हिमालय से उतर के। तो वो सारी बातें हैं। तो तीन मुख्य रूप से भारतीय परंपरा में यक्ष जो है उनका जिक्र हमें मिलता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, केवल महाभारत के उस यक्ष से संबंधित बात करने जा रहे हैं, जिसने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और उतने ही सटीक उत्तर जो है वो युधिष्ठिर से मिल रहे हैं। और अगर मैं समझता हूं कि आज के किसी भी इंटेलेक्चुअल से अगर उन प्रश्नों को किया जाए, और मैं समझता हूं कि मुख्य वक्ता आज इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे, कि अगर आज के किसी भी इंटेलेक्चुअल से उन प्रश्नों को किया जाए तो मुझे लगता है वो दो दो चार चार घंटे के लेक्चर देते रहेंगे और फिर भी अपनी बात को वो ना पूरा कह पाएंगे, और ना ही मुझे लगता है कि वो प्रश्न के संदर्भ को ठीक से प्रस्तुत कर पाएंगे, उत्तर देना भी उनके लिए बड़ा कठिन रहेगा। तो कुल मिलाकर के यक्ष के प्रश्नों की बात करने से पूर्व दो बातें और हम देख लें, दो क्या दो तीन चीजें और देख लें। इस स्लाइड में आप महाभारत के दो देख रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर, एक और वेद व्यास लिखा हुआ है और दूसरी ओर कृष्ण लिखा हुआ है। वेद व्यास जो है आप उसको व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन चेतना के रूप में तो आपको उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और वेद व्यास एक ऐसी चेतना है जिसका अनंत विस्तार है, ज्ञान का जो अनंत विस्तार है, आप आज के युग में उसे ही वेद व्यास कहें, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसे ज्ञान को संभालेंगे कैसे, ऐसे ज्ञान को हम जानेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण भी कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है या नहीं है, वो भगवान है या नहीं है, मैं इस चर्चा में बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन कृष्ण एक चेतना के रूप में हमारे सामने हैं, जो जबरदस्ती आपको खींच करके एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। तो ज्ञान के अथाह समुद्र में जो चेतना आपको एक निश्चित दिशा की ओर ले चलती है वो कृष्ण है। तो मुझे लगता है कि महाभारत, वेद व्यास और कृष्ण का जो ये आपसी संबंध है वही महाभारत है, महाभारत को वही परिभाषित करने का तरीका है। और दूसरा पक्ष जो इसका है कि महाभारत जैसा इतना विशाल का जो ग्रंथ है, जिसमें इतनी कथाएं, इतनी उपकथाएं हैं, कि उसको संपूर्ण रूप से जानना अगर हो तो हम कैसे समझेंगे। तो आज की ये परिचर्चा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो वस्तु, जो स्थिति, जो ज्ञान बहुत विशाल और व्यापक होते हैं, उनको हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं खंडों में से आज एक हमने कथा ली है,
जिससे कि हम महाभारत की व्यापकता को पकड़ने का प्रयास कर सकें। अब आप देखिए कि जो मैं बात आपसे पहले कह रहा था कि व्यास के बारे में मैंने कहा, नमोस्तु ते व्यास सह विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, कि ओ व्यास सैल्यूटेशन टू दी ऑफ माइटी इंटेलेक्ट एंड विद आईज लार्ज लाइक द पेटल्स ऑफ फुल ब्लोन लोटस बाय हूम वाज लाइटेड द लैंप ऑफ विजडम फुल ऑफ महाभारत ऑयल। ये उनकी प्रशंसा में लिखा गया जैसा कि मैं कह ही रहा था। तो एक बात जल्दी से हम देख लें कि महाभारत का अपना फॉर्म और उसका सार क्या रहा है, जिसके बीच में ये कथा हमें क्या किस ओर किस दिशा में लेकर जाएगी। 18 दिवस चलने वाला कौरव पांडवों का युद्ध है और सामान्य रूप से इसको इसी रूप में देखा जाता है। और फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप पात्र योजना देखते हैं, लगभग 300 से ऊपर पात्रों की इस तरह से इसमें योजना की गई है जहां कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है, जबकि कोई उस वक्त कंप्यूटर नहीं है, कोई उस वक्त की चीजें हमारे पास ऐसी उपलब्ध नहीं है कि कैसे 300 से अधिक पात्र जो हैं वो उसमें दिखाई समायोजित किए गए होंगे। आज तो हम प्रोग्रामिंग करने के लिए पूरी एक टीम आप अपेक्षित होती है कोई भी छोटी सी प्रोग्राम करना हो तो, लेकिन पात्र योजना वहां पर आप देखें कि कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं किसी प्रकार का वहां पर असमंजसता नहीं है। दूसरी बात जो आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में वो घटना योजना, कि घटनाओं की किस प्रकार से योजना की गई है कि एक के बाद दूसरी घटना, और केवल इतना ही नहीं है, घटनाओं के भीतर जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उनमें भी कहीं असमंजसता नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। नहीं तो आज जो घटनाक्रम कहानी लिखने का तरीका होता है या बात करने का तरीका होता है कि हम एक घटना जो देश और काल में घटती है उसके बाद दूसरी देश और काल में घटने वाली और इस तरह से हम अग्रसर होते चले जाते हैं, लेकिन एक घटना के बीच में घटने वाली अन्य जो घटनाएं हैं जो हमारे आज के समाज की कॉम्प्लेक्सिटी को और उसकी कंट्राडिक्शंस को बहुत स्पष्टता से उभारती हैं। और तीसरी बात है व्यक्तिगत व्यवहार योजना, कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है इतने बड़े समाज में, जो कि सोशल साइंटिस्ट की सोशियोलॉजी की बहुत बड़ी दिक्कत है। सोशियोलॉजी और व्यक्ति, इन दोनों की जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है उसको भी वो स्पष्ट करता है। तो ये फॉर्म हमें देखने को मिलता है और इस दृष्टि से अगर हम महाभारत को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें आज के यक्ष प्रश्नों की स्थिति जो है वो ज्यादा स्पष्ट और रेलेवेंट दिखाई देगी। दूसरी ओर जब सार की बात करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस सार की बात कर रहा हूँ, अलग अलग लोग जब अलग अलग तरीके से महाभारत पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं तो उनका अपनी अपनी दृष्टिकोण होता है, लेकिन मुझे जो लगता है और मुझे जो उसका सार दिखाई देता है वो क्या है, धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या, कि जो धर्म अर्थ और काम इनका समान रूप से सेवन करना चाहिए, यही कोरोना हमें आज बता रहा है। ये कोरोना जो हमारे कारणों से हमारे कर्मों के फल के रूप में उभर कर आया है वो क्या बता रहा है आपको, वो यही बता रहा है कि धर्म अर्थ और काम इन तीनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए। यो एक सेवी, जो एक की अधिक सेवा करता है कि भाई मैं सिर्फ धार्मिक हो जाऊं, मैं अर्थकामी हो जाऊं या काम ना पूर्ण हो जाऊं, स नरो जघन्य, वह व्यक्ति क्या होता है, निकृष्ट होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो एक सिंथेसिस है धर्म अर्थ काम का, यही इसका सार है। और इस बात को हम देखेंगे कि किस तरह से यक्ष प्रश्नों में वो उभर कर आती है। मैं आगे का नहीं पढ़ रहा लेकिन इतनी बात को जानना है। अब जैसे कि मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रहा था कि भारतीय जो प्राचीन मेधा है, जो जैसे एंशियंट इंडियन विजडम कहते हैं, उसके बारे में हमने या तो सुना होता है, स्लाइड के नीचे की ओर देखें, एवं मैं श्रोतम कि ऐसे मैंने सुना होता है एक बड़े पर्टिकुलर एंगल से, क्योंकि हमारे हम सभी के एक माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट से हम चीजों को सुनते हैं और वो आपकी अपनी परिस्थितियों पर, आपकी अपनी जिज्ञासाओं पर निर्भर करता है कि आपने अपना माइंड सेट क्या बनाया है। तो उस माइंड सेट से आप जिस तरह से भी सुनते हैं वो आपके ज्ञान का एक साधन बनता है। और दूसरा जो इधर की ओर आप देख रहे हैं, एवं मैं अदृष्टम में, कि दिस इज हाउ आई हैव परसीव्ड,
कि जैसे आपने देखा होता है, जैसे अनुभव आपको समाज में मिलते हैं वैसे आप उनको चीजों को देखते हैं। अब इन दो के बीच में आपका सारा का सारा ज्ञान निर्भर करता है, दिस इज हाउ आई नो एवं मया ज्ञातम, ये एक हमारी परंपरा में चीजें हैं। अब इस दृष्टि से कि अपनी लिमिटेड माइंडसेट से, अपनी कंडीशनिंग कंडीशन्ड माइंडसेट के साथ मैं महाभारत के तीन रूपों में देखता हूँ, तीन पक्ष देखता हूँ। एक उसका कर्ता पक्ष है जहां पर फुल एक्शन आप देखते हैं, दूसरा जो है भोक्ता के रूप में कि जहां बहुत अधिक भोग सामग्री उपलब्ध है और फिर उसके परिणाम हमें क्या मिलते हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारी कथाओं में मिलेगा। और तीसरा जो पक्ष हमें देखने को मिलता है वो नुअर के रूप में मिलता है, जिसे ज्ञाता आप कहते हैं। अब इस महाभारत के इन तीन पक्षों को जब हम देखना चाहेंगे तो वो डील किससे कर रहे हैं, इन चार चीजों से डील कर रहे हैं जिसे आप पुरुषार्थ के नाम से कहते हैं। अब जो महाभारत है उस महाभारत का जो नरेटिव है, उससे मिलने वाला जो ज्ञान है, उससे जो प्राप्त होने वाली भाषा है, क्या उस ज्ञान और भाषा का सम्यक समीकरण हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकता है या नहीं, ये मूल प्रश्न है। तो यक्ष प्रश्न को जो लिया गया है, क्योंकि यक्ष प्रश्न को छोटी कथा नहीं है, उसमें प्रश्नों की संख्या 100 से भी अधिक है, तो क्या वो हमारी समस्याओं का समाधान आज के युग में करता है कि नहीं करता है, इस पे मुख्य वक्ता आज बात करेंगे। और उससे होगा क्या, समस्याओं का समाधान का मतलब क्या है कि आपने 2+2 कर लिए और 4 आपने उत्तर ढूंढ लिया, क्या समाधान ऐसा होता? मनुष्य को परिभाषित करना ही मुझे लगता है आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका समाधान का मतलब है कि क्या हमारे पास एक सेंसिबल परसेप्शन है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि जिसे कहा जाता है, हमारी वाणी में सम्यकता है कि नहीं, हम सेंसिबल लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलते, या ओए-तोए करके ही अपना काम चला देते हैं, हमारे एक्शन में एक सेंसिबिलिटी है कि नहीं है, एक उसमें संवेदनशीलता है कि नहीं है, उसे सम्यक कर्म कहते हैं कि हमारे एक्शंस में सम्यकता है कि नहीं है, और सम्यक एफर्ट्स जो हैं, एक्शंस और एफर्ट्स, कि वो भी एफर्ट्स जो हैं वो सेंसिबल हैं कि नहीं है। तो ये बात आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस यक्ष के प्रश्नों के माध्यम से कि वर्तमान काल में मनुष्य क्या करता है। और मैं जल्दी से आपके सामने, मैं बाकी और स्लाइड पे नहीं जा रहा, लेकिन इस स्लाइड की ओर आप थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए कि 21वीं शताब्दी की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए, मैं केवल 4 शब्दों में बता रहा हूं कि एक तो है आपके इमोशनल क्राइसिस। धरती के ऊपर रहने वाले 7.5 बिलियन लोग जो हैं, आज एक कोरोना ने उनमें इमोशनल क्राइसिस पैदा कर दिया हुआ है, व्याख्या नहीं मैं कर रहा, उसमें जो एक्शन की प्रॉब्लम है, कार्मिक द्वंद्व है कि कहना कुछ चाहते हैं, करना कर कुछ और रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका जो कहना है, हमारे व्यवहार है या हमारी अपेक्षाएं हैं, उनके साथ कुछ संगति नहीं बैठती। और तीसरी जो बात है वो ज्ञानात्मक द्वंद्व है कि नॉलेज जो है वो हमारी उसमें एक कंट्राडिक्शंस दिखाई देती हैं कि पहले हम कोरोना पैदा कर लेते हैं और फिर उसके जो है इलाज ढूंढने लगते हैं, एक तरफ हम बम बना लेते हैं और फिर कहते हैं हम साथ में हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो ये कितना बड़ा ज्ञानात्मक और कार्मिक द्वंद्व है, इससे आप सभी परिचित हैं। और चौथा जो समस्या है वो है शाब्दिक अतिचार, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हमारे साथ जो जुड़े हुए टीचर्स हैं, जो और अन्य लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो शब्द का किस तरह से व्यभिचार करते हैं, अतिचार करते हैं, एक ही शब्द को किस तरह से घसीटते हैं, उसके कैसे कैसे अर्थ निकाल करके दुराचार करते हैं, ये अपने आप में एक समस्या है। तो ये मैंने समस्याएं आपके सामने भी रख दी हैं और ये संदर्भ भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो यक्ष प्रश्न है वो हमारी इन विषयों को सुलझाने में, समझने में क्या सहायता करते हैं। तो उस सारी चर्चा के लिए आज हमने जिनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है एसटी कॉलेज खैरिज घुरना की ओर से, उसमें मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जो MA LLB रहे हैं, और उनसे आपका पहले भी परिचय है, मैं उसमें समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन उनका बड़ा लंबा एक टेन्योर रहा है आर्मी पोस्टल सर्विसेज में, और कमांडेंट APS सेंटर, डायरेक्टर APS हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड और ब्रिगेडियर APS हेडक्वार्टर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कमांड रहे हैं, और फिर फाइनली जो है एडिशनल DG APS
वो रिटायर हुए हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रही हैं, और बहुत संक्षेप में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 जिनमें से रामायण के ऊपर आधारित पुस्तकें हैं उनकी, और इसके अलावा निरंतर उनके जो समाचार पत्रों में बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते हैं, इंग्लिश में भी और साथ ही साथ हिंदी के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते रहते हैं। और वो इस वक्त जो है चेयरमैन है मैनेजिंग कमेटी GGDST कॉलेज खेरी घुरना, और साथ ही वो डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला के। और साथ ही साथ ये एक बड़ी अच्छी बात है कि फौज में जिस तरह की एक ट्रेनिंग रहती है, एक लाइफस्टाइल रहता है, उसमें अन्य बाकी आयामों को जानने की जो ह्यूमन बिहेवियर के जो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशंस के स्टडी करना, उनके बारे में रुचि रखना और उन सब चीज़ों को करने के लिए उतना वक्त और उतनी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनकी इस तरह की रुचि है कि एक और उनके हाथ में आधुनिकता का ज्ञान है, आधुनिकता दृष्टि है, और दूसरी तरफ वो प्राचीनता के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए हुए हैं, और उसमें से वो हर बार कोई ना कोई हमारे साथ नई बात टटोल के लाते हैं, खोज के लाते हैं, और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ कि वो इस विषय के ऊपर कि यक्ष प्रश्न कि उनकी आज 7.5 बिलियन के साथ साथ जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो जो है समस्या से घिरे हुए हैं, 4 प्रकार की समस्याएं भी मैंने बता दी हैं, वहां पर ये यक्ष प्रश्न जो है हमारी क्या सहायता करते हैं, और सहायता का मतलब है कि पहले समस्याओं को समझने में हमें कैसा सक्षम बनाते हैं, और फिर दूसरा कि उनके उत्तर युधिष्ठिर के जो उत्तर हैं वो हमें किस तरह से कितने सटीक कितने संक्षिप्त वो हमें उत्तर जो है वो मिलते हैं, जो हमें ये समझाते हैं कि अगर आप अपनी भाषा से ही रखते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व सुखद और समृद्ध बना सकते हैं, बड़ा सशक्त बना सकते हैं, जहां पर आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं कहना ये चाहता था। आज के इंटेलेक्चुअल की हालत देखें तो यही हो जाता है कि भाई मैं कहना तो ये चाहता था, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो संवाद हमें दिखाई देता है, जहां विवाद नहीं है केवल संवाद दिखाई दे रहा है, उस संवाद की कितनी ब्रेविटी है, कितनी संक्षिप्तता है, और कितना उसमें सार भरा हुआ है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, उन सब के बारे में बात करने के लिए मैं जनरल मेजर जनरल AK शौरी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ इस चर्चा को आरंभ करें। मेजर जनरल AK शौरी जी, मैं अपनी स्लाइड हटा रहा हूँ, आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। माई ऑडियो वीडियो इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर स्पेशली? जी जी। अच्छा चलिए, आप मैं एक प्रेजेंटेशन है, आप स्लाइड हटाते हैं तो मैं उसको शेयर करता हूं। जी क्लियर है? एक सेकंड, मैं कर रहा हूं। ये स्लाइड आ गई मेरी क्या स्क्रीन पर? जी 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 आ गई है, और मैं इसको पिन कर लेता हूं ताकि कोई और फिर बीच में गड़बड़ ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इतनी अच्छी तरह से सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आप जिस तरह से बता रहे थे उसको सुनते हुए मेरे मन में 1-2 पॉइंट जो आए हैं वो मुझे भी बड़ा उसमें समझ आई कि ये कैसे इसको किस तरह से देखा जाए, स्पेशली जो एंड में आपने इमोशनल क्राइसिस, नॉलेज क्राइसिस, एक्सप्रेशन एंड बिहेवियरल क्राइसिस की बात की है। टॉपिक पर आने से पहले, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया था कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान वो जगह जगह पर पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या है कि वो जो ज्ञान पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही रह गया, और हम जो है किस्से कहानियों और कथाओं में उलझ कर रह गए। तो जब महाभारता को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे तो शुरू में समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ूं, या इसमें से पैचेस में पढ़ूं, या क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पैचेस में ही पढ़ूंगा इसे। और जब मैंने पैचेस में पढ़ना शुरू किया तो आई केम अक्रॉस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसके ऊपर जो है लास्ट टाइम हमने एक वेबिनार किया था एज एक्सप्लेन्ड बाय भीष्म पितामह। अब वो भी एक ज्ञान का एक हिस्सा था जो वहां पर
युद्ध के बाद हमें मिला। फिर थोड़ा सा महाभारता को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो मेरे सामने यक्ष प्रश्न आ गए। और यक्ष प्रश्न को देखते देखते मैं आशुतोष जी से बात भी कर रहा था, भाई एक और जगह मेरे को एक ज्ञान का एक हिस्सा मिल गया है, वो है जब आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि जब लक्ष ग्रह में पांडव रह रहे हैं तो उस वक्त उनको नारद मुनि मिलने के लिए आते हैं। नारद मुनि जब उनको मिलने के लिए आते हैं तो वहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर से कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ प्रश्न कर रहे हैं कि कल को जो अगर तुम राजा बन गए तो कैसे शासन करोगे। और वो जो प्रश्न है वो अपने आप में एक एक पूरा का पूरा अध्याय है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। मैं तो बड़ा हैरान हो गया, नारद मुनि के बारे में हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि जो दूसरों दो लोगों के या दो परिवारों के बीच में लड़ाई करे या लगाई बुझाई करे। और हमने पुरानी फिल्मों में वो एक कलाकार होते थे जीवन, वो सितार या वो क्या बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आते थे और हम सोचते थे कि अब कहीं ना कहीं कुछ जो है ये लड़ाई झगड़े की बात होगी। लेकिन नारद मुनि के जरिए महाभारत में जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस को एक्सप्लेन किया गया है, आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल। तो ये है मतलब हमारे ग्रंथों की खासियत के उसमें ज्ञान जो है वो कहाँ छुपा पड़ा हुआ है वो हमें पता नहीं चलता। और यही मेरे को ये बार बार मैं कहता आता हूँ कि ये इन्हीं चीजों को हमारा मकसद है ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का, कि दैट दिस विजडम एंड द फिलोसफी एंड द थॉट विच इज लाइंग देयर वी शुड ट्राई टू डिग इट आउट एंड प्रेजेंट बिफोर द पब्लिक। सो कंटिन्यूइंग विद दिस टुडे सेशन इज यक्ष प्रश्न इन 21st सेंचुरी। आप सब लोगों को मालूम ही है यक्ष का किस्सा, अगर किसी को नहीं मालूम या कुछ लोगों को नहीं मालूम तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि पानी पीने की प्यास में जो है जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को एक एक करके भेजते हैं तो पानी पीने से पहले वहां पर उनको एक आवाज आती है, जो यक्ष है वहां का जो कंट्रोल कर रहा है सारी टेरिटरी को, इज आस्किंग के ओके बिफोर यू ड्रिंक वाटर यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन। So everyone is ignoring his warning or his advice or his question and drinks water and वहां पर गिरकर मर जाते हैं। और सबसे एंड में जब युधिष्ठिर आते हैं तो युधिष्ठिर का उनके साथ एक सामना होता है, रूबरू होते हैं और यक्ष उनके सामने प्रश्न करते हैं जिनके जवाब युधिष्ठिर देते हैं। और बाद में फिर वो जो एक एक करके सबसे पहले वो नकुल को मांगते हैं, फिर सहदेव को, और फिर बारी बारी करके यक्ष जो है सभी भाइयों को जिंदा कर देते हैं। और ये है सारी छोटी सी कहानी यक्ष प्रश्न। अगर आप गूगल पर भी जाएंगे या कोई पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे यक्ष प्रश्न, तो यू विल कम अक्रॉस दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आर मोर देन 100-125 के करीब है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज हैविंग द सब क्वेश्चंस आल्सो। अब मैं ये 25-30 मिनट के वेबिनार में आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप ऑल दोस 125 क्वेश्चंस। मैंने कुछ एक क्वेश्चंस उठाए जो मुझे लगा कि 21st सेंचुरी में We should have a relook at those questions and try to find out the answers within ourselves. Ashutosh ji ne bahut achhi baat kahi hai post corona. Ab mujhe kya lag raha hai? Log kehte hain, aapas mein baat cheet karte hain, corona ne ek sabak sikha diya hai. Mujhe nahi lagta humne koi sabak sikha hai. Ye ek temporary sabak hai. Fir saath hi saath log baat karte hain, acha dekhte hain kab tak iska injection aa jata hai. It means they are waiting the moment the injection comes they will go back to the pre corona days. ये हमारा सोच है, ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो मैं इस चीज को 21st सेंचुरी में जो क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया उन सवालों का वो तो आएगा ही आएगा, बट आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हैव ए थॉट अबाउट दोज थिंग्स। और वो कौन से प्रश्न है बारी बारी करके कुछ एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। पहला प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट पर्सन एंजॉयिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस एंड्यूड विद इंटेलिजेंस रिगार्डेड बाय द वर्ल्ड एंड लाइक्ड बाय ऑल बीइंग्स ताओ ब्रीदिंग इज नॉट येट अलाइव। क्या प्रश्न है ये? ऐसा इंसान सारे अपने सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय कर रहा है, इट मीन्स दैट ही इज रिच पर्सन ऑल्सो, ही इज एंड्यूड विद इंटेलिजेंस बहुत है, ही कैन बी बिल गेट्स, he can be anyone, he can be the prime minister, he can be the Warren Buffet, he can be the richest person, he can be the Reliance wale Ambani, he is regarded by the world, sari duniya mein uski izzat ho rahi hai, people like him also, but the yaksh says in sari cheezon ke hote hue bhi main manta hu ki though he is breathing he is not yet alive.
दाओ ब्रीदिंग नॉट येट अलाइव, मतलब वो किसी काम का नहीं है, उसके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंसिया भी है, इज्जत भी है, पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर भी वो किसी काम का नहीं है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? आपके सामने मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। यू कंसिडर योर सेल्फ ऑल्सो, आई शुड कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो, दैट आई एम ए फैमिली मैन, आई एम द चेयरमैन ऑफ ए कॉलेज। नाउ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स माइट बी गिविंग मी लॉट ऑफ रिगार्ड, they might be liking me also, I might be having some sort of intelligence also which they might be appreciating. This can be applicable to you, to me, to everyone, but still the yaksh says ke wo meri nigah mein wo insaan zinda nahi hai. Ab Yudhishthir kya iska answer dete hain? Let's try to correlate these questions to us in our personal and the professional life. Yudhishthir kehte hain, a person who does not offer anything to these five, in paanch janon ke liye jo kuch bhi nahi karta, beshak usme wo intelligent hai, bahut paisa hai, izzat hai, ema wo hai, ye hai, lekin aisa insaan gods ke liye, guests ke liye, servants ke liye, apne ancestors ke liye aur apne liye agar kuch nahi karta hai, to iska matlab ke wo saans lete ho bhi mare hue ke saman hai. Kya matlab hai iska? Who does not offer anything to these five gods? Gods को offer करने का क्या मतलब? तो ये नहीं है कि वो सुबह शाम जाकर मंदिर में जो है वहां पर प्रसाद चढ़ाता है या दिया जलाता है या वो मंगलवार वाले दिन जाता है। इसका मतलब कि एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, एक ऐसी एक 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 ऐसी जो है शक्ति है जिसके लिए वो उसका एहसान मंद है, उसको वो सर्वशक्तिमान मानता है, उसका रिगार्ड करता है और उसको बड़ा हाई एस्टीम में रखता है। सब कुछ होते हुए भी घर में अगर वो अपने मेहमान के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसको लुक आफ्टर नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको जो है वेरियस कंसिडरेशंस के बेसिस पर जो है हल्का समझता है मेहमानों के साथ और अपने सर्वेंट्स के साथ, ऐसा इंसान जिसको एहसास ही नहीं है कि वो आज इस दुनिया में अगर है तो किसकी वजह से है? अपने एंसेस्टर्स की वजह से। शराद आने वाले हैं, शराद आएंगे, ज्यादातर लोग बोलेंगे मैं शराद में ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं आज मेरे फादर का शराद है, आज मेरी माता का शराद है, मैं उसमें से खीर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा और मैं पंडित जी को खिला दूंगा या वहां मंदिर में छोड़कर आ जाऊंगा। हमने से कितने लोगों ने शराद वाले दिन बैठकर अपने माता पिता की बातों को, उनकी नसीहतों को, उनकी कही हुई चीजों को याद किया है? अमल करने की बात तो बाद में आएगी। अगर ऐसा इंसान भगवान, अपने ईश देवता, अपने मेहमान, अपने नौकर, अपने पितरों और खुद इन सबके लिए कुछ भी नहीं करता है इस तरह की चीजें, तो वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान है। ये है पहला जो सवाल जिसके सब सवालों को कंबाइन करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश की। इसके बाद यक्ष ही आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है यक्ष का अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल लॉडेबल थिंग्स? व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल लॉडेबल थिंग्स? व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल हिज पोजेशंस? ऐसी कौन सी चीज है जो आज आपको लगता है कि आपके पास है, उसमें सबसे ज्यादा कीमती है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आप बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हो? एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल गेन्स, जो आज तक आपने जो है कमाया है, जो आप तक हासिल किया है, उसमें से दी बेस्ट क्या है? ये यक्ष युधिष्ठिर को पूछ रहा है। मैं फिर आपको कहूंगा, ट्राई टू रेज दिस क्वेश्चन इन योर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ। आज तक हमने बहुत सारे आप लोग आप में से सर्विस कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, 20-25 साल की हो सकता सर्विस हो भी चुकी हो, प्रोफेसर गुप्ता हैं, डॉक्टर ब्रिगेड शर्मा हैं, मैं हूं, हम बहुत सारे लोग रिटायर्ड भी हैं। हमें भी थोड़ा सा बैठकर सोचना चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल हिज पोजेशंस, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल माय गेन्स, क्या ऐसी चीज है? ये प्रश्न जब यक्ष करता है, युधिष्ठिर जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब को आप अपने साथ कोरिलेट कीजिएगा। हाँ, इसमें एक चौथा भी है, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, ऐसी कौन सी चीज है जो खुशी की जो है सबसे बेस्ट चीज मानी जाए कि इसको हासिल किया तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई? प्रशंसनीय है, वैल्यूएबल है, बेस्ट ऑफ ऑल गेन्स है एंड बेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस।
What are those four things? Now, what is the reply of Yudhishthir? Yudhishthir ka answer ye hai. The best of all laudable things is skill. अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई काबिलियत है जिसके जरिए आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ी प्रशंसनीय है। स्किल किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप जो भी आप काम करते हो, आप टीचर्स हैं, आप पढ़ाने में कह लीजिए, समझाने में कह लीजिए, मॉनिटरिंग में कह लीजिए, फीडबैक में कह लीजिए, उनके साथ रेपो बनाने में कह लीजिए, जो एक टीचर में जो स्किल होनी चाहिए, वो स्किल जो है वो सबसे बड़ी लॉडेबल थिंग है, प्रशंसनीय चीज है। और उसके बाद बेस्ट ऑफ ऑल पोजेशंस इज नॉलेज, ज्ञान। यहां पर वो ख्याल होगा, एक वेबिनार अगर कुछ लोगों ने अटेंड किया है अबाउट ए मंथ बैक और सो, इट वॉज बेस्ड ऑन एथिकल इकोनॉमिक्स एज पर पंचतंत्र। वो मुझे, मैं अभी तक मेरे मन में ये है कि मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया। मैं जो चीज़ कहना चाहता था वो किसी तरह से वो मैं उस तरह से नहीं कह पाया। मौका मिला तो मैं उस वेबिनार को बड़े अच्छे तरीके से फिर करने की कोशिश करूंगा। और उसमें भी यही बात जो है पंचतंत्र में आती है, एथिकल इकोनॉमिक्स में, दैट द रियल वेल्थ इज नॉट रुपया सोना चांदी। वो बात जो वहां पर कर रहे हैं उसी बात को यक्ष के प्रश्न के जरिए युधिष्ठिर यहां पर आंसर दे रहे हैं कि बेस्ट ऑफ ऑल पोजेशंस इज नॉलेज। और इसके बाद बेस्ट ऑफ ऑल गेन्स इज हेल्थ। अब आगे ना वो जो बुजुर्गों ने कहा था, वो कोरोना में बात जो है जो बार बार हमारे सामने आ रही है कि अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो बहुत कुछ गया, और करेक्टर गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, और करेक्टर गया तो बहुत कुछ गया। अब यही चीज जो है युधिष्ठिर बोल रहे हैं वहां पर। मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी कि जब हम कोट करते हैं कि बुजुर्गों ने ये कहा था, बुजुर्गों ने ये कहा था, अरे बुजुर्गों बुजुर्गों को किसने कहा? हमारे बुजुर्गों से हमने ये बात सुनी थी, हमारे दादा दादी या वो हमें ये कहा करते थे और उनकी कही हुई बात आज भी ठीक है। भाई उनको किसने कहा? उनको भी तो उनके बुजुर्गों ने बताया होगा, और उनके बुजुर्गों को किसने बताया? यही है नॉलेज और विजडम के महाग्रंथ, जो वहां से चलते 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 हमारे बुजुर्गों तक आए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ रियली रियली कंसर्न दैट वी हैव लॉस्ट ट्रैक, वी हैव लॉस्ट ट्रैक सिंस लास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स। और इसीलिए आज 2020 में हमें आकर एक एफर्ट करनी पड़ रही है कि उन्हें बुजुर्गों की बताई हुई चीजों को, जो कि हमारे ग्रंथों से उन्होंने ली थी, जो छुपी पड़ी है, उनको उबार कर आपके सामने रखे। सो कमिंग बैक, क्वेश्चन का आंसर देते हुए युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? बेस्ट ऑफ ऑल लॉडेबल थिंग इज स्किल, पोजेशन इज नॉलेज, ऑल गेन्स इज हेल्थ, एंड कंटेंटमेंट इज द बेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या सिखाया? अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, कोरोना किसी को भी चपेट में ले सकता है। और कंटेंटमेंट का क्या मतलब है? सब्र, संतोष। इससे बड़ी कोई खुशी है? किसी की जेब में कितना पैसा है कोई चेक करता है, लेकिन सब्र और संतोष किसके पास कितना है, वही सबसे बड़ी खुशी है जो एक इंसान को दे सकती है। आप लोग शायद, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये थियोरेटिकल बातें हैं, ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं। जी नहीं, ये अगर किताबों में लिखी हुई ही बातें होती तो इतने हजारों सालों तक ये रामायण और महाभारत आज भी हम उनको रेलेवेंट ना मानते। अगर ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें होती तो रामायण और महाभारत के बाद गुप्ता पीरियड से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ना बना पाते। अगर ये किताबों में लिखी बातें होती तो आज जो हम नया भारत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी फिर जो है हवा में ही होता। ये जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं तो 50-50 नहीं तो 10, जितनी भी परसेंटेज हम कर सके वो की जा सकती है। सिर्फ ये है, हमें इनके साथ रूबरू करना है, अपने साथ एक कोरिलेशन बनाना है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। होपफुली ऑडियो इज क्लियर आशुतोष जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। कभी पता नहीं चलता ना कि वो गड़बड़ हो जाए। एनी हो, अगला प्रश्न क्या यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से?
वो पूछते हैं व्हाट इज दैट विच इफ रेनाउंस्ड मेक्स वन एग्रीएबल, छोड़ दिया जाए जिस चीज को तो उसको एग्रीएबल जो है वो इंसान अपने आप को समझना शुरू कर दे। व्हाट इज दैट विच इफ रेनाउंस्ड लीड्स टू नो रिग्रेट, आप सोच रहे होंगे कि वो प्राइड की बात आ रही होगी, उसकी बात आ रही होगी। व्हाट इज दैट विच इफ रेनाउंस्ड मेक्स वन वेल्दी, मेरे पास वो चीज ही नहीं है, वो चीज मेरे से चली गई तो उसकी तो कमी हो गई, लेकिन वो कमी होने के बावजूद भी है, मैं अमीर कैसे बन पाऊंगा। व्हाट इज दैट विच इफ रेनाउंस मेक्स वन हैप्पी, तो एग्रीबल रिग्रेट नहीं होगा, हेल्दी हो जाएगा और एक इंसान खुश हो जाएगा। वो ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिसके बारे में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं उसका, प्राइड, प्राइड इफ रेनाउंस मेक्स वन एग्रीएबल। वही बात आ गई ना, रावण को किसने मारा, अहंकार ने। अहंकार ना होता तो शायद जो है ये युद्ध ना होता, शायद जो है उसके मन में ये बात आ जाती। इस बात को रावण को किसने मारा, अहंकार ने, ये बात हम शायद अपनी लाइफ में 50-100 बार कह चुके होंगे, लेकिन हम जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब हम अपने आप को सबसे बड़ा अहंकारी समझकर उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते हैं कि मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये अहंकार है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो वन इट कैन मेक वन एग्रीबल। रैथ, रैथ इफ रेनाउंस्ड लीड्स टू नो रिग्रेट, इसको छोड़ दिया, ईर्ष्या को छोड़ दिया तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, कि जलन को छोड़ दिया, ईर्ष्या को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ने से आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। डिजायर, डिजायर का यहां पर छोड़ने का मतलब नहीं कि कोई इच्छा करनी नहीं, यहां पर जो है उस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा, ये और पाने की इच्छा ही है जो $1 million की तरफ को लेकर गई, जैसा आशुतोष जी ने बनाया था कि जहां पर वेस्ट में हर चीज को पैसे की निगाह से तोला जाता है, और हिंदुस्तान में भी क्या हुआ है सिंस लास्ट 20-30 years, जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है, और उसको हम मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। बड़े अफसोस की बात है कि हमने इंटेलिजेंसिया को पैसे के साथ बराबर कर लिया, उस पैसे के साथ जो एक इंसान हेरा फेरी करके कमाता है। सो डिजायर इफ रेनाउंस्ड मेक्स वन वेल्दी, आप अपनी इंतहा इच्छा को अगर कंट्रोल कर लोगे तो आपसे ज्यादा ज्यादा वेल्दी आदमी हो ही नहीं सकता। एंड एवरिस, ईर्ष्या, इसको अगर आपने ग्रीड लालच को अगर आपने छोड़ दिया तो आप खुश रह जाओगे। तो अहंकार को छोड़ दिया, ईर्ष्या को छोड़ दिया, अननेसेसरी डिजायर को छोड़ दिया और लालच को छोड़ दिया, तो इन सारी चीजों को अगर आप छोड़ दोगे तो आप एग्रीबल भी हो जाओगे, रिग्रेट भी नहीं होगा, आप वेल्दी भी होगे और हैप्पी भी होगे। हम वेबिनार कर रहे हैं, हम वेबिनार पिछले 3 महीनों से कर रहे हैं, मैं और डॉक्टर आशुतोष मिलकर। बड़ी खुशी होती है हमें जब हम वेबिनार करते हैं, उससे पहले पढ़ना भी पड़ता है, जब पढ़ते हैं तब वो पढ़ने से पता चलता है कि हा हा क्या जबरदस्त चीज लिखी है। एंड सो मेनी टाइम्स वी डिस्कस आल्सो दैट इट वॉज वेरी रिमार्केबल थिंग विच आई हैव रेड टुडे इन महाभारत और रामायण। नाउ वंस वी रीड दोज थिंग्स एंड वी रियलाइज दैट दिस इज द रिमार्केबल थिंग्स, वी माइट नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग इन अवर डे टू डे लाइफ, बट वी एट दिस ट्राई टू, वी एट दिस ट्राई टू। तो वो जब ट्राई करते हैं तो वो जलन है, वो डिजायर है, वो अहंकार है, उसके ऊपर चोट आनी जरूरी भी है और वो ऑटोमेटिकली आनी भी शुरू हो जाती है, और लाइफ में एक कंटेंटमेंट, एक पीसफुल, एक स्पिरिचुअल, वो एक अपने आप में आना शुरू हो जाता है। सो यक्ष प्रश्न और उनके उत्तर, ये सिर्फ सवाल और जवाब ही नहीं है, ये अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक खुराक है जो 21st century में जिसकी बहुत ही जरूरत है। अदरवाइज हो क्या रहा है, इफ यू सी द यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन कॉर्पोरेटाइजेशन के चक्कर में आकर टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स उसी में उलझ कर रह गई है। यू माइट हैव सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ अवर बॉयज, डॉटर्स, रिलेटिव्स, बच्चे लगे हुए हैं लैपटॉप पर, बैठे रात को बैठे हुए हैं, ये मेरा है, ये टारगेट है, ये पूरा करना, अचीव करना, एंड द एंड रिजल्ट इज व्हाट, एंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट दे माइट बी गेटिंग बिट ऑफ पे हाइक विच इज एट द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ। And ultimately, once when you ask them what you have achieved,
they have achieved nothing except shifting their job from A to B, B to C, C to D, A to B, B to C, C to D. So, a post-corona is asking the younger generation also कि आप ट्रैफिक लाइट की तरह वहां पर येलो लाइट लगी हुई है, आगे रेड है, आप थोड़ा रुको, रुको यहां पर, रुको, अपनी जिंदगी को ब्रेक लगाओ, अपने सारे जो है अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा रीडिफाइन करो और देखो कि आप में जो है ये डिजायर है, ये ग्रीड है, ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। सो यक्ष के प्रश्न और उनके उत्तर सिर्फ सवाल और जवाब नहीं है, जिंदगी को जीने का एक एक पैमाना है जो हमारे सामने आया है। और इसी 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 को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष आस्क्स, हु इज ट्रूली हैप्पी। अगर मैं ये सवाल आप सब लोगों से पूछूं या मैं खुद से भी पूछूं कि एम आई ट्रूली हैप्पी, 99% जो है जवाब आएगा कि ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, जो मिल गया उसमें सब्र है, लेकिन somehow कहीं ना कहीं हमें इसका अच्छी तरह से जवाब मिल नहीं पाएगा, that are we truly happy? And what is most wonderful thing? Now people will give different replies depending upon their own personal likes, dislikes, perception, etc. That what is most wonderful? What is the path? क्या रास्ता है? किसके ऊपर चलना है? और खबर क्या है? What is the news? यहाँ news का मतलब newspaper वाले नहीं कि हो क्या रहा है सब कुछ। ये सारा जो है ये यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहा है कि हो क्या रहा है सब कुछ, और युधिष्ठिर इसके बारे में क्या जवाब दे रहे हैं। हु इज ट्रूली हैप्पी, ही सेज, ए मैन हु कुक्स इन हिज ओन हाउस ऑन द फिफ्थ और द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द डे विद स्केंटी वेजिटेबल्स बट हु इज नॉट इन डेट। क्या बात है, मेरे को किसी का कुछ नहीं देना, मेरे दिल और दिमाग पर कोई एक नए पैसे का बोझ नहीं है। अगर बोझ नहीं है तो इसका मतलब कि मैं फख्र के साथ अपना सीना तान के जो है घर से बाहर निकल सकता हूं, मेरे को शर्म से आंखें नहीं किसी से चुरानी पड़ेंगी, और मैं शाम के समय पर फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम पर जो कुछ भी मेरे पास है मैं अपना खाना खुद अपने घर में बनाता हूं, खाता हूं, मैं संतुष्ट हूं, और मेरे से ज्यादा कोई खुश आदमी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे ऊपर किसी की किसी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये आपके पास जो है ये युधिष्ठिर का जो जवाब आप देख रहे होंगे, ट्रूली हैप्पी कौन है जो बिल्कुल अपनी लाइफ में 100% अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके दिल और दिमाग पर कोई किसी तरह का अननेसेसरली बर्डन नहीं है, जो अपनी जरूरतों को अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा कर पा रहा है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ही इज द पर्सन हु इज ट्रूली हैप्पी। Day after day, countless creatures are going to the abode of Yama. मौत एक ऐसी चीज है, आप अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखते हैं, हम शमशान भूमि में जाकर लोगों को जलते देखते हैं, लेकिन किसी के मन में ये चीज कभी नहीं आती कि एक दिन उसका भी यही हाल होगा, और वो सोचता है कि वो नहीं मर रहा इसलिए वो बहुत खुश है कि चलो मेरा नंबर तो नहीं आया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा कब आएगा, एक सेंटेंस जो है वो कहता है, लेकिन अंदर से उसको लगता है कि शायद उसका नंबर नहीं आएगा। Those they remain behind believe themselves to be immortal. इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वो अपने आप को immortal समझ रहे हैं। Argument leads to no certain conclusion. Shrutis are different from one another. There is not even one rishi whose opinion can be accepted by all. Hence, truth about religion and duty is hidden caves. Hence, therefore that Alone is the path along which the great have trod. ये एक अकेला रास्ता है ज्ञान का जिसके ऊपर आपको अकेले ही चलना है और आपको उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, उसको रेगुलेट करना है। ये युधिष्ठिर जो है यक्ष को इसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले मैं समाप्ति की तरफ को आऊं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्या था, ये उसका जवाब क्या था, ऐसा जवाब क्यों था। मैं चाहूंगा कि आप उस समय जो युधिष्ठिर से पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसको उसकी परिस्थिति के हिसाब से देखें और इन सवालों से उन सारी चीजों के निचोड़ को निकाल कर आप अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करके अपना रास्ता जो है आगे बनाने की कोशिश करें।
लोग प्राणायाम करते होंगे, योगा करते होंगे या कुछ और एक्सरसाइज करते होंगे, और कहा जाता है कि अगर आप 2 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप पालथी मारकर बैठ जाओ और थोड़ी देर जो है बिल्कुल अपने सांस को नॉर्मल फ्लो करने जाओ, आप करके देखना, आपको अपनी जिंदगी का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। हु एम आई, इस सवाल को जब आप अपने ऊपर लगाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दैट अलोन इज द पाथ अलोंग विच द ग्रेट हैव ट्रॉड, और आपको पता चलेगा कि ये कंटेंटमेंट, ये डिजायर, ये ग्रीड, ये सारी चीजें, इनसे आप परे हटकर अपनी लाइफ को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए यहां पर एक आखिरी में जो था उसमें उसने ये पूछा था कि व्हाट इज द न्यूज, क्या हो क्या रहा है। अब इस चीज को युधिष्ठिर ने देखिए कैसे सम अप किया है। उन्होंने कहा दिस वर्ल्ड फुल ऑफ इग्नोरेंस इज लाइक ए पैन, एक ऐसा पैन जिसको कुक करने के लिए जो सामान रखा गया है, जो आग है वो सूरज है। वर्ल्ड फुल ऑफ इग्नोरेंस लाइक ए पैन, सन इज फायर, डेज एंड नाइट्स आर फ्यूल, डेज एंड नाइट्स आर फ्यूल, मंथ्स एंड द सीजन कॉन्स्टिट्यूट द वुडन लैडर, वो उसके लकड़ी के उससे जो है मंथ्स और सीजन जो है वो फ्यूल जो है डे और नाइट का, और उसका फ्यूल डालते हैं, सूरज आग देता है, और ये सारी दुनिया जो है एक फुल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञान का एक ऐसा पैन है, और टाइम इज द कुक, जो कुक है जो सारे क्रिएचर्स को इन पैन में कुक कर रहा है, और यही हो रहा है, यही हो रहा है, और आज भी यही हो रहा है कि समय 2020 का ऐसा चढ़ा है कि इस 2020 में कोरोना ने हम सबको रुककर कुछ सोचने के लिए एक मौका दिया है। अगर हमने इस मौके को गवा दिया तो जैसे ये इंजेक्शन आ गया, जैसे ठीक होने शुरू हो गए, हम फिर उसी चीजों में उलझ कर रह जाएंगे जहां पर अपनी लाइफ को हम अपने हाथों से निकाल कर दूसरों के हाथ में सौंप देंगे। सो ये युधिष्ठिर के जो सबने जो सवालों के जवाब दिए हैं यक्ष को, वो उनकी एक समरी सी बनाकर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। फॉर विच आई फील दैट द जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर देयर इज अ मोर नीड फॉर वी ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट इट एंड अकॉर्डिंगली टेक फर्दर एक्शन। आखिर में आखिरी प्रश्न, व्हाट एनिमीज इनविंसिबल, what constitutes an incurable disease for man, what sort of a man is called honest and what dishonest, beiman kaun hai, imandar kaun hai, aur aisa shatru jo invincible hai। ab Yudhishthir iska kya jawab dete hain, anger is an invincible enemy, ye bhi aap logon ko malum hai ki gussa jo hai wo kaise insaan ko kya se kya nuksan pahuncha sakta hai। यहां एंगर का मतलब जिस कंटेक्स्ट में है वो है कि अननेसेसरी गुस्सा आने से आप अपने आप को ज्यादा नुकसान करते हो। कभी किसी स्टेज पर आपको गुस्सा आता है तो उसको किस तरह से यूज करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल एंगर इज एन इनविंसिबल एनिमी। कोविटनेस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इनक्यूरेबल डिसीज, ये एक ऐसी डिसीज है जिससे जो है आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। एंड ही इज ऑनेस्ट दैट डिजायर्स द वील ऑफ ऑल क्रीचर्स, जो उनका दुख दर्द जो है वो जानने की कोशिश करता है। He is dishonest who is unmerciful. Who is unmerciful. अब देखिए युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों के जो जवाब दिए हैं वो मैंने आपके सामने एक समरी बनाकर रखे हैं, और उस समरी से आप अपनी लाइफ में किस तरह सा जो है मैसेज लेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस थिंग, बट बिफोर आई फिनिश I just want to share that जैसा कि हमारी Human Development Policy Research and Training Center की एक रही है कि हम variety of topics के ऊपर cover करते हैं, हमारे जो next जो है दो webinar हैं वो थोड़े से different type के होने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा next webinar है India's Security Perspectives in Indo-Pacific। हमारे सामने सिर्फ गलवान वाली वैली आ रही है, हमारे सामने सिर्फ अक्साई चिन और पाकिस्तान आ रहा, हमें नहीं मालूम कि चाइना हमें किस तरह से समुद्र के रास्ते से जबरदस्त तरीके से घेरने के चक्कर में है, घेर रहा है, काफी हद तक जो है वो आगे आ चुका है, और उसके जरिए वो समुद्र के जरिए हमारे कौन से लैंड एरियाज की तरफ कभी उसकी निगाह है, किस तरह से अपने ट्रेड रूट को बढ़ा रहा है, और इंडिया उस हिसाब से
क्या स्टेप्स और क्या एक्शन ले रहा है। ये 22 तारीख को जो वेबिनार होगा इसमें लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन है, मिलिट्री एडवाइजर भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एनडीसी के कमांडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड में बहुत हाई पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पर काम किया है। एंड प्रेजेंटली ही इज द डायरेक्टर ऑफ ए रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन बैंगलोर। सो 22 अगस्त को 11:30 बजे हम ये वेबिनार करेंगे, और उसके बाद उसकी मैंने डेट अभी फिक्स नहीं की, दैट विल बी अबाउट द साइबर वॉरफेयर, कि ये साइबर वॉरफेयर में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सो विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद जनरल साहब। आपने 100 से ऊपर प्रश्नों को बहुत संक्षेप में और बहुत समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपने उन सबको साझा किया है हमारे साथ, और ये बात भी निश्चित ही है कि हम जब इस तरह का वेबिनार करते हैं संक्षिप्त सा, तो उसका प्रयास केवल मात्र इतना होता है कि हम एक रुचि पैदा कर सकें, एक जिज्ञासा पैदा कर सकें अपनी परंपरा को और अपने वर्तमान काल को, यानी कि अपने वर्तमान के साथ अपने भूत को हम भार के तौर पर ना लें, ना उसके प्रति को निंदा का भाव रखें, जो उसमें से योग्य है उसको हम स्वीकार करें, और जो हमारे भविष्य की दिशा है, मनुष्यता की जो भविष्य की दिशा हो सकती है, उसको परिभाषित करने का प्रयास करें। आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के वो आयाम रखे हैं मानवीय व्यवहार के संदर्भ में, जिसकी मुझे लगता है आज सोशल साइंसेस में बहुत ज्यादा जरूरत है, और साइंसेस में भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो सेंस हम पैदा नहीं करते, अगर सारा का सारा सिस्टम इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मनुष्यता के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इससे पूर्व कि मैं आपका धन्यवाद करूं और सभी श्रोताओं का धन्यवाद करूं, 2-3 बातें और मैं इस विषय में साझी कर लेना चाहता हूं। आपने कथा बहुत संक्षेप में हमारे साथ साझी की है और सीधा वहां से शुरू कर दी, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी 2-3 पंक्तियों में मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि जनरल साहब ने बात, क्योंकि बिल्कुल उसको एक क्या कहेंगे टेलरमेड तरीके से चीज को प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जंगल में जब ये अपना समय निकाल रहे थे वनवास में, तो वहां इनके पास एक ब्राह्मण आता है और वो कहता है कि एक हिरण जो है मेरी अरणिया, जो यज्ञ जलाने की अग्नि होती थी, यज्ञ अग्नि उत्पन्न करने वाली जो होती है उसको अरणी कहते हैं, वो अरणी जो है मेरे झोंपड़ी के साथ अपने अपने आप को रगड़ रहा था और उसकी सींगों में वो अरणी फंस गई और वो लेकर के भाग गया है, तो कृपया आप मुझे ला दीजिए। 5 भाई जाते हैं उसके पीछे लेकिन पकड़ नहीं पाते, और वहां पर जब वो थक हार जाते हैं, निराश होते हैं, तो वो युधिष्ठिर इतनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भी मुझे जो है प्यास लगी है, तुम कुछ लाके दो। लेकिन उससे ऐसी स्थिति में जब वो निराशा हो गई, भाग दौड़ भी हो गई और कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो एक जो अंदर बेचैनी होती है वो वहां पर हमें उभरती हुई दिखाई देती है। वो बेचैनी क्या है, और वो आप लोगों के जीवन में भी दिखाई देती होगी, और समय समय पर आप लोग अपने से भी प्रश्न करते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे घर में ये क्यों होता है, या मेरे समाज में यही क्यों होता है। तो वहां पर हमें एक प्रश्न दिखाई देता है, और वो प्रश्न आप संस्कृत में मैं नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा जो संस्कृत से परिचित नहीं है, लेकिन नास्मिन कुले जातु मम च धर्मो न चालस्यार्थ लोपो बभू अनुत्तरा सर्वभूतेषु भूय संप्राप्ता स्म संशय किन्नु राजन। कि हे राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ, हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसको कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया, फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए। मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति घर घर का ये प्रश्न है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब देखिए कि अगर ये प्रश्न किया गया है तो उसका उत्तर जो युधिष्ठिर दे रहे हैं, जिससे कि संतोष नहीं हो रहा बाकी भाइयों को, ये भाइयों में बात हो रही है, और आज अगर भाइयों की हम बात करें कि आपस में क्या स्तर रहता है चर्चा का, तो आप देखें कि क्या स्थिति है, लेकिन जो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं उससे बाकी भाई संतुष्ट नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप एक संतोष के लिए इस उत्तर को, जो आप लोग उत्तर
स्वीकार कर लेते हैं वो यही है। और ये भी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि 5,000, 4,000 साल पहले 3,000 साल पहले जब भी महाभारत लिखी गई होगी, उस वक्त का आदमी जिसे हम आज सोशल साइंस में पढ़ाते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ आदमी था, उस वक्त उसकी ये समझ क्या थी और आज हमारी समझ क्या है, तो उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ ये उत्तर साझा कर रहा हूं। वो कहते हैं कि आपत्तियों की ना तो कोई सीमा है, ना कोई निमित्त दिखाई देता है, जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं दिखाई देता है कि कॉज एंड इफेक्ट से आप अपनी मुसीबतों का हल कर लें कि आपका ये कारण है और ये कार्य है, और ना कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है, पहले किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप में फल बांटता रहता है। अब ये जो बात वो कह रहे हैं एक तरह की कि प्रीडेस्टिन्ड सारी चीजें हैं आपके पिछले कर्म, प्रीडेस्टिन्ड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि भी कोई पहले से भाग्य निश्चित हुआ है, वो आपके कर्मों ने जो आपका भाग्य निश्चित किया है उसी के फलस्वरूप आपको ये हर तरह के सुख दुख मिलते हैं। तो ये एक तरह की पृष्ठभूमि है। और इसके साथ ही एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण जानने वाली है कि जैसा कि मैंने कहा था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लेकिन कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। एक व्यास, एक व्यक्ति की बुद्धि कितनी व्यापक है कि वो किस तरह से पात्रों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे युधिष्ठिर के जो संबंध है वो किसके साथ है, यक्ष, और यक्ष कौन है जो बक के रूप में उपस्थित है, वो यमराज है, धर्मराज है, स्वयं धर्मराज है जो यक्ष के रूप में बक शाप मिलने के कारण वहां उपस्थित हैं, और फिर वो युधिष्ठिर के साथ उनका ये संवाद होता है। और जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आगे चल करके जब ये समाप्त होता है तो वहां पर आपको पता लगता है कि वो उसको क्या कौन कौन सा वरदान देते हैं। एक जो अंतिम बात जहां पर जनरल साहब ने इसको समाप्त किया है उसके आगे एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो अंतिम प्रश्न तो था ही था, ये तो मैं भी सोच रहा था कि ये वाले प्रश्न लिए जाएंगे और आपने बिल्कुल अंत में लिया और उचित ही था कि सुखी कौन आश्चर्य क्या, ये सारे उत्तर दे दिए हैं लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। अंतिम जो प्रश्न है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी उत्तरों से संतुष्ट हूं, यम जो है यक्ष के रूप में उपस्थित, वो कह रहे हैं संतुष्ट हूं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इन चार भाइयों में से कौन से भाई को तुम जीवित करना चाहोगे, किसको मैं जीवित करूं। अब आज आपसे कोई ये प्रश्न करे, और होता ही है कि चॉइस चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे और उसके लिए आर्गुमेंट क्या होगा। अब वहां पर धर्म बुद्धि जिसकी वजह से धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को, वो आप देखिए वो क्या कहते हैं कि माद्री के पुत्र को जो है उन दोनों में से किसी एक को जीवित कर दो। यक्ष ने पूछा कि क्यों ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, तुम भीम को जीवित करवा लो, वो बड़ा शक्तिशाली है, तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार देगा, तुम अर्जुन को जीवित करवा लो, तुम्हारा अपना भाई है, सगा भाई है और वो धनुर्धर है, लेकिन वहां पे धर्म बुद्धि, ये धर्म बुद्धि है, ये रिलीजन की बुद्धि नहीं है, ये धर्म की बुद्धि है और ना ये नैतिकता है। संस्कृत में नैतिकता शब्द प्रयोग नहीं होता, नीति शब्द जरूर प्रयोग होता है लेकिन नीति पॉलिसी के अर्थ में प्रयोग होता है, नैतिकता ये बाद में क्रिश्चियन टर्म मोरालिटी के सेंस में थोपी गई है हमारे पे, धर्म शब्द है। तो धर्म के रूप में वो क्या उत्तर देते हैं कि माद्री के क्योंकि दो ही पुत्र हैं और मैं इधर कुंती के पुत्रों के रूप में एक जीवित हूं, तो माद्री के कहीं कोई संतान रह जाए, शेष रह जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन नकुल और सहदेव में से एक जीवित हो जाए, तो मैं अपनी माँ के साथ जो है वो अधर्म नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि उनको भी जो मिल सकता है वो मिले। अब इस तरह की धर्म बुद्धि कहां किसको मिलती, तो हमें अपने भविष्य को, मनुष्यता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन ग्रंथों को देखना जरूर चाहिए, बेशक आलोचनात्मक बुद्धि से देखें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा और सारे महाभारत को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारा महाभारत क्या है, प्रश्न मीमांसा है, प्रश्न ही प्रश्न है, हर कोई दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है, जन्मेजय प्रश्न पूछ रहा है, वैशंपायन प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न ही भारतीयता को परिभाषित करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना सिखाए, वो आपको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया जाए कि भई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नो, ये हमारी कल्चरल फ्रीडम है कि प्रश्न करना। आप शिव और पार्वती को देखें, दोनों प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न करना आना चाहिए, प्रश्न करने की योग्यता भी आनी चाहिए,
लेकिन वो मूर्खता और जड़ता वाले, जैसे कि मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्टों की तरह प्रश्न करना कि पढ़ेंगे नहीं लेकिन प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न भी किस लिए करेंगे कि हम दूसरे को नीचा दिखा सकें, दूसरे को ह्यूमिलिएट कर सकें, इस तरह का नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर ला करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा धन्यवाद के रूप में कि भारतीय परंपरा में आज के इस सेमिनार से आप ये लेकर के जरूर जाइए कि चार प्रकार के प्रश्नों की ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था छात्रों को, जो आजकल हमारी एजुकेशन पॉलिसी से मिस रहा है, समाज में भी वो नहीं रहा है और संसद में तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। हालांकि वहां कहते हैं क्वेश्चन आवर होता है, आप लिख करके दीजिए, ये करेंगे, और फिर वहां पे क्या होता है वो दुर्दशा हम भारत की संसद की देखते ही हैं। लेकिन इस कैटेगरी को जरूर देखिए आप, पहली जो कैटेगरी सिखाई जाती है छात्रों को और समाज में जो सभ्य व्यक्ति होता है, क्वालिफाइड सिटीजन उसके लिए शब्द है जिसके ऊपर हम निकट भविष्य में काम करेंगे, वो है एकांश व्याकरणी प्रश्न। एकांश व्याकरणी प्रश्न क्या होते हैं कि जिन प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ या ना होता है, कि 2+2 जो है वो 4 होता है, तो आप हाँ या ना ही कह सकते हैं, उसका कोई और नहीं है। तो लेकिन अगर आप इसको यास प्रश्नों के संदर्भ में लें तो शुड यास प्रश्नास बी डिस्कस्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, यस और नो यू कैन सी। लेकिन इन प्रश्नों को आप अपने व्यवहार में भी देखें, अपने सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ के देखें। दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं जो भारतीय परंपरा में सिखाए जाते हैं, जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो है प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न। वो होते हैं काउंटर क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, जो डिबेट में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक टॉकिंग अबाउट यक्ष प्रश्नाज इज अ सेफरन एजेंडा इजंट इट सो। तो काउंटर क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, नॉट टॉकिंग अबाउट यक्ष प्रश्न इज अ कम्युनिस्ट एजेंडा इजंट इट सो। आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उत्तर नहीं दे रहे आप, लेकिन ये भी एक तरीका है, क्योंकि आपको विभिन्न परिस्थितियों में आपको डिबेट करनी पड़ती है, अलग अलग तरह के लोगों को मिलना पड़ता है, और 130 करोड़ लोगों को एक साथ रखना बड़ा कठिन काम हो गया है जब से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। स्थापनीय प्रश्न जो है वो इस तरह के प्रश्न होते हैं, तीसरी कैटेगरी, जो बिल्कुल असंगत और इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे विल इट हर्ट कम्युनिस्ट सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स टू टॉक अबाउट यक्ष प्रश्न। ये एक बिल्कुल ऐसा प्रश्न होगा जिसको हम उठा करके साइड पे रख देंगे कि ये योग्य ही नहीं है, लेकिन प्रश्न है, प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिंग्विस्टिकली इट्स परफेक्ट। लेकिन चौथा जो प्रश्न है जिसे हम सेंसिबल प्रश्न कहते हैं, वो है विभज्य व्याकरणीय प्रश्न, जिसका हमें एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रमाण देने पड़ते हैं, जिसके लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, वो उसको विभज्य व्याकरणी कहते हैं। जैसे हाउ यक्ष प्रश्न आर रेलिवेंट यूजफुल फॉर 21st सेंचुरी। ये आज हमने देखने की कोशिश की है कि बार बार यक्ष जो है वो प्रश्न कर रहा है, सारा महाभारत प्रश्न कर रहा है, रामायण प्रश्न कर रही है, आपके वेद प्रश्न कर रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी आगे की पुराण प्रश्न कर रहे हैं, परंपरा प्रश्न कर रही है, उन प्रश्नों को जीवित रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन प्रश्न कौन से, ये जो विभज्य व्याकरणीय प्रश्न है, वो मूर्खों वाले प्रश्न नहीं जो आज हमें उठा के इस तरह से रख देते हैं बिना जाने, बिना पढ़े और बिना प्रशिक्षित हुए। तो उन प्रश्नों से हम बचें और जो सेंसिबल प्रश्न है उस संस्कृति को हम विकसित करें, यही HD ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च का जो है वो लक्ष्य है कि एक सेंसिबल समाज बने, एक क्वालिफाइड सिटीजन जो है वो विकसित हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करने से पूर्व, यदि किसी का कोई प्रश्न है, यदि कोई टिप्पणी देना चाहता है, तो वो बहुत संक्षेप में क्योंकि समय हो चुका हुआ है, तो यदि कोई कहना चाहता है तो जरूर कहें। और आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो उसमें शेयर कर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, तो कर सकते हैं, अन्यथा मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का और जनरल साहब का, और फिर उसके बाद हम इस सभा को, इस परिचर्चा को विसर्जित करेंगे। मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चंडीगढ़ में IAS ऑफिसर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यदि वो अपनी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, उनके भी एक पुस्तक अभी आ रही है, मैं आर्य हूँ, ये निकट भविष्य में आर्य इतिहास के ऊपर उन्होंने अभी पुस्तक लिखी है, उससे पूर्व भी उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि वो अपनी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी जो अगर करना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा।
मनोज जी अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी हाँ, हाँ, जी जी हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरा सबको प्रणाम पहुंचे जी, आदर नमस्कार जी, अति सुंदर। और मैं इसका श्रेय डॉक्टर साहब को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुमूल्य सेमिनार में आमंत्रित करके इतना ज्ञान का मार्ग दिया मुझे, अन्यथा मैं सिर्फ अध्ययन में ही रहता हूँ। तो मेजर साहब को भी, मेजर जनरल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारगर्भित था, बहुत इंटेलेक्चुअली मतलब कहते हैं कैप्सूल फॉर्म में सब कुछ था उसमें। भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, कि सनातन का जो ज्ञान है वो इतना विस्तृत है कि कई बार ऐसा लगता है कि पूरा जीवन शायद हम, जैसे मैं पिछले मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन 5-10 साल से जब से अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद एक आध बूंद भी शायद नहीं ले पाया समुद्र में से। तो लेकिन उस ज्ञान को पब्लिक तक पहुंचाया कैसे, तो उन ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। वो मेजर जनरल साहब की लिंक के द्वारा मैं एक बात करना चाहूंगा कि वेद सब समझ नहीं सकते, तो उन्होंने उसका पुराण की व्यवस्था कर दी, कथा की व्यवस्था कर दी। यक्ष जो है, यक्ष वाला जो है, सरलतम रूप में, कथा रूप में बहुत आराम से पहुंच गया। तो ये इतनी, वो हमसे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि मतलब मैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। और मतलब दिमाग में इतनी सारी बातें आ रही हैं कि उसको समझना भी मुश्किल हो रहा है। आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए इतना कहूंगा कि मैं उस सनातन के समुद्र में गोता लगा रहा हूँ और आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, और उसमें तो छोटी छोटी चीजें परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहना तो उचित नहीं होगा, स्वयं ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ज्यादा शायद अर्थपूर्ण होगा। तो इसका मैंने प्रारंभ पिछले 5 साल से शुरू किया है। तो मैं उस पुस्तक का नाम करेक्ट करते हुए बताना चाहूंगा, उस पुस्तक का नाम है मैं आर्य पुत्र हूँ। हाँ, उसका मेन जो सेंटर पॉइंट है उसके इतना है कि ये आर्यों को जो बाहरी घोषित किया गया, आक्रमणकारी घोषित किया गया, इसके कितने नुकसान हो सकते थे या हैं या होंगे, इसकी कल्पना हमें नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस झूठ को स्थापित किया उन्हें इसकी कल्पना थी, उसे इनका अनुमान था, और उसका ये फायदा ले रहे हैं। तो जब मैंने उसके बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई है, तो उस समय हम बात करेंगे। फिलहाल मैं मेजर जनरल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से मुझ जैसे नाचीज को भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मजबूर किया। मैं अब दिन भर इसका चिंतन करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत संक्षिप्त और सटीक टिप्पणी के लिए और अपने वक्तव्य के लिए। सर बहुत बहुत आभार। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है कि क्योंकि समय हमारा हो चुका हुआ है, तो मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मेजर जनरल ए के शौरी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस पावर पॉइंट को तैयार किया और सारा अध्ययन किया और हम सबके साथ उसका सार जो है वो हमारे साथ शेयर किया है, और हमने एक उत्सुकता पैदा की है कि एक बार फिर हम अपनी जड़ों को टटोलें, अपनी रूट्स को विश्लेषण करने का प्रयास करें, वर्तमान में रहते हुए अपने इतिहास को साथ लेते हुए अगर हम भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे तो मुझे लगता है वो मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा, जिसकी ना तो हमें इकोनॉमिक्स कुछ दिशा दे पा रहे हैं, ना सोशियोलॉजिस्ट दे पा रहे हैं, ना अन्य लोग दे पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी परंपरा और अपने वर्तमान कालिकता को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य के मंगल कामना जो है, भविष्य का जो मंगल प्रारूप है उसको निश्चित करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सभी का आभार। और यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर दीजिए, और उसके बाद आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और फिर दोबारा हम मिलेंगे। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा हम मिलते हैं और आपकी पुस्तक पे भी। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मनोज जी जो बात कह रहे थे ना, सुन रहे हैं आप? जी 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 सुन रहा हूँ। तो मेरे उसी वक्त जो आपने बात कही, दो बातें मेरे मन में आई। एक, हम बचपन में पढ़ा करते थे कि न्यूटन से जब पूछा गया था तो उसने कहा था कि ये ज्ञान का एक ऐसा समुंदर है जिसके किनारे बैठा मैं तो वो क्या सीप मोतियां ही सिर्फ चुन रहा हूँ, जो आपने बूंद की बात कही थी। और दूसरी बात जो है, जो आपने ये सनातन और नॉलेज और हमारे जो जितने महाग्रंथ है, जब इनकी तरफ मैं देखता भी हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं इस जन्म में क्या पा पाऊंगा। मैं तो इसका जो है 0.1% ही इस जन्म में इनका समझ पा पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, क्योंकि ये इतने हैं, कई कईयों को तो हाथ लगाने में भी डर लगता है क्योंकि पहले वाला ही नहीं अभी काबू में आ पा रहा, वो पहले वाला ही नहीं समझ पा रहा है। तो ये जो ज्ञान है ना,
ये नॉलेज है हमारे जो स्क्रिप्चर्स में, जिसके लिए मैं एक और तीसरी बात कहूंगा कि कहा करते थे कि ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे। भाई तपस्या करने वहां क्या करते थे, वो एक सिक्लूडेड प्लेस में जाते थे जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नेचर के पास होते थे और वो आत्म विवेचना करते थे, सेल्फ एनालिसिस करते थे, वो डिस्कशन करते थे आपस में बैठकर। उसी डिस्कशन से एनालिसिस करके जो उन्होंने निचोड़ निकाला, वो 5000 साल पुराना निकाला हुआ निचोड़ आज हम वेबिनार के तौर पर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए क्या बात हो गई, ये थे वो लोग। चलिए ठीक है, तो आज की इस सभा को हम समाप्त करते हैं और फिर अगली बार मिलेंगे जल्दी ही, और संभावित है कि मंडे को फिर हम एक बार मिलें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है और उसके ऊपर चर्चा रहेगी, कल आप लोगों को हम सूचित करेंगे कि उसका क्या रहेगा। अगले हफ्ते का कार्यक्रम आप लोगों के साथ कल को हम शेयर करेंगे। धन्यवाद, आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं सर। थैंक यू सो मच।